एक तरफ चिल्लाता हुआ ये लड़का, दूसरी तरफ मंदिर तक खींच कर ले जाती हुई लड़की। बिहार में यूं तो आपने कई शादियों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन बिहार से ही एक तस्वीर जो निकल कर सामने आई है, हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में किस प्रकार एक लड़की अड़ जाती है और किस प्रकार लात जूतों से दूल्हे का स्वागत न सिर्फ होता है बल्कि मार मार कर वरमाला भी पहनाया जाता है। दरअसल पकड़ा हुआ विवाह या जबरिया जोड़ी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जहां लड़के को जबरदस्ती पकड़कर लड़की के साथ शादी करवाई जाती है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। बिहार के वैशाली जिले में एक ऐसी शादी देखने को मिली जहां लड़की खुद लड़के को मंदिर तक खींच कर ले जाती है और फिर मार मार कर ब्याह होता है। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए, फिर हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये मामला वैशाली के महनार का है, जहां लड़की के परिवार वालों ने संगत मंदिर में प्रेमी युगल की जबरदस्ती शादी करा दी। ये बातें सुनते ही गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे, लोगों की भीड़ जुटने लगी। प्रेमी जोड़े को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंच गए। लड़की ने बताया कि दोनों 7 साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन शादी की बात पर लड़का शादी करने से मना करता है। मैं इनके साथ रहना चाहती हूं, जबकि लड़का सबके सामने ही शादी करने से इनकार करता रहा। फिर लड़के की शादी से इनकार करने पर लोगों ने लतियाना शुरू कर दिया। मार मार के लड़के को वरमाला पहनाया गया। इसके बाद शादी के मंडप पर भी खूब लपड़ थप्पड़ हुआ और फिर जैसे तैसे आखिरकार शादी हुई। बोलिए बोलिए, कितना दिन से जान पहचान बता रहे हैं, कैसे कैसे हुआ? ये अपना दीदी के यहाँ रहा था। अच्छा, घरपुरा में बात करने लगा। हाँ, बोलिए बोलिए। बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच ये रिश्ता उस समय बना जब युवक अपनी बहन के ससुराल गया था। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार किया। प्रेमी पर जब लड़की के परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो शादी करने से इनकार करता रहा। इसी दौरान प्रेमी अपनी प्रेमिका संगीता से मिलने पहुंचा, जिसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। आज क्या हुआ? आज मंदिर में क्या हुआ? दोनों का शादी हो गया। आप खुश है ना? इधर आके मुकर रहा था ना? क्या नाम हुआ आपका? खैर, अब दोनों की शादी हो चुकी है। लड़का भले ही इस शादी से खुश ना हो, लेकिन दोनों की पूरी विधान से मंदिर में शादी हुई।
अब देखना होगा कि लड़के के परिवार वाले लड़की को किस प्रकार अपनाते हैं। बने रहें लक्स टीज के साथ।